सभी सरस्वती पुत्र के लिए मेरा पहले बहुत बहुत आशीर्वाद। जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद सदा चाहते हैं, माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि से जुड़ना चाहते हैं, सबसे बड़ा दिन आपके बीच में है, बसंत पंचमी जो 14 फरवरी आपके लिए प्रभावशाली है। 7:10 से लेकर 12:10 तक का एक शुभ मुहूर्त आपके बीच में है। आप इसके पहले भी साधना कर सकते हैं, जो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक एक दीप लगा करके माँ सरस्वती की आप सभी आराधना करें। ऐसा कहा जाता है, आज के दिन राजा भोज का भी जन्म हुआ। एक विद्वान की श्रेणी में राजा भोज आते हैं, वह हमेशा विद्वानों की गोष्ठी कराया करते थे। 40 40 दिन तक गोष्ठी चला करती थी, सबका भोजन हुआ करता था। और उसी समय एक जैन आचार्य हुए, मातंग स्वामी, जिन्हें राजा भोज ने कारागृह में कैद किया और 48 तालों में कैद किया, एक ही भावना के साथ कि जो मातंग आचार्य के पास है वह दिव्य शक्ति मुझे भी प्राप्त हो सके। क्योंकि संत पद विहार करते हैं, एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, बस उन्हें रोकने के लिए इस प्रकार की भावना राजा भोज ने भाई। कैसी भावना थी, कैसे उसके विचार थे, ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन हर विद्वान चाहता है कि मुझे संत से बसंत रूप तुम्हें कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए। इसी भावना के साथ आचार्य मातंग स्वामी ने कारागृह में ध्यान लगा करके, आदिनाथ भगवान के ध्यान में डूब करके, बसंत ऋतु में ही बसंत तिलिका छंद के माध्यम से भक्तावर स्तोत्रकार सजन किया, भक्त के कल्याण के लिए, भक्त को अमर बनाने के लिए, भक्त संपूर्ण भाव के साथ संत और भगवंत की सेवा कर सके और अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। इसलिए लिखना पड़ा, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, जो श्रद्धा के साथ समर्पण के साथ संत और भगवंत का पाद प्रक्षालन करता है, उनकी पापों का भी प्रक्षालन हो जाया करता है। यह बसंत ऋतु है, संत के संपर्क में आने की ऋतु है, संत के संपर्क में रहकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की ऋतु है, संत के संपर्क में आकर के उनसे मंत्र साधना सुनने की ऋतु है। और आज के दिन कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पुस्तक जिनवाणी दान का दिन आज के दिन माना जाता है। आज आपको एक जिनवाणी संत को समर्पित करना चाहिए। कहते हैं कौंडिन्य ग्वाल ने अपने ग्वाल पर्याय में एक शास्त्र एक संत को भेंट किया। उसके प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से वह कौंडिन्य ग्वाल आचार्य कुंद कुंद से भगवान कुंद कुंद हो जाते हैं। एक शास्त्र भेंट करने का सबसे बड़ा दिन आज का है, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। संत के आशीर्वाद से ही आपका जीवन बसंत के समान हो सकता है। 12 राशि वाले क्या करें आज के दिन? 12 राशि वालों के लिए आज एक ही छोटा उपाय बता रहा हूं। चाहे मेष राशि हो, वृषभ राशि हो, मिथुन राशि हो, कर्क राशि हो, सिंह राशि हो, कन्या राशि हो, तुला राशि हो, वृश्चिक राशि हो, धनु राशि हो, मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, इन 12 राशि को आज एक ही उपाय करना है। सबसे पहले प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में उठ करके एक घी का दीप लगाना है, पीली वस्त्र पहन करके, पीली माला से जितने साल के हो गए हैं आप उतनी माला ओम एम सरस्वती देव्य नमः, इस मंत्र का आप ध्यान लगा करके माँ सरस्वती को याद करें, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें, जो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, जो मैंने स्वयं अपने स्वर से आपके स्वर तक पहुंचाने के लिए मैंने स्वयं भगवान ने जो मुझे दिया है ज्ञान आप तक पहुंचाया है, आप उसे
रसपान करें। इसके बाद प्रातःकाल की वेला में कुछ पीले पुष्प अपने पीले कपड़े के ऊपर रख लीजिए। छोटा सा कपड़ा हो, कम से कम इसका साइज एक हाथ के बराबर हो, उस कपड़े के ऊपर फूल से आप जाप करेंगे 108 बार ओम एम सरस्वती देव के नमः। कम से कम 108 पुष्प के साथ आप ओम एम सरस्वती देव के नमः की जाप करें। और जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनकी जिह्वा पर आप केसर से एम बीज मंत्र लिखेंगे। यह माँ सरस्वती का सबसे प्रभावशाली बीज मंत्र है। इसके बाद सरस्वती माँ का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मंदिर में जाकर के कोई जैन संत हो उन्हें जिनवानी भेंट करेंगे, उनके मुखारविंद से मांगलिक सुनेंगे, चाहे वो नमोकार मंत्र के रूप में हो। उनका आज आशीर्वाद लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तो जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल कुहू कुहू करती है सिर्फ आम्रमंजरी को देख करके। उसे पता है आज आम्रमंजरी आई है, कल इसी आम्रमंजरी पर आम भी आएंगे। उसी भावना के साथ आप संत के संपर्क में जाकर के यही भावना भाइये कि आज आम्रमंजरी रूपी संत मुझे मिले हैं, आज नहीं तो कल यही आम्रमंजरी रूपी संत में कल मुझे आदिनाथ भगवान के आम रूपी दर्शन होंगे, ऐसी भावना के साथ आप गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ऐसा कहा जाता है जब आम आने लगे तो सबसे पहला आम आप संत के चरणों में समर्पित करें या आहार में समर्पित करें, तो जाकर के इसका फल आपको पूरा प्राप्त हुआ करता है। और आज का दिन सबसे प्रभावशाली दिन है, आज आप माँ सरस्वती की आराधना करें। और आज कभी अपशब्द का प्रयोग ना करें, रात्रि भोजन ना करें, और पीली चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। और कोई पंडित हैं, पुजारी हैं, आप उन्हें पीले दुपट्टा भेंट करें। कोई संत के पास जाते हैं तो वहाँ पर पीली डायरी, पीला पेन समर्पित करें। इस प्रकार से आज आपको पीली ही पीली चीज़ें दान करना है। ज़्यादा यदि संपन्न है तो आप समझ गया सोने की माला भी, घर में किसी बड़े बुजुर्ग हैं जो आपके माता पिता हैं उन्हें भेंट कर सकते हैं। और आज आपका दिन बहुत आनंदकारी व्यतीत हो। आज राहु काल भी है जो 12:41 से चालू होगा और 2:05 तक आप राहु काल में रहेंगे। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है आज के दिन को बसंत पंचमी के रूप में ही मनाना है, ना कि वैलेंटाइन डे के रूप में मनाना है। तो दिन अपना नहीं है, अपना दिन है बसंत पंचमी, अपना दिन है अंतर्राष्ट्रीय जिनवाणी दान का दिन होता है। यह दिन आपको आज मनाना है। आपके जीवन में जो 14 तारीख आई है बसंत पंचमी के रूप में, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ बस यह 14 तारीख आपको 14 गुणस्थान की यात्रा कराए, उसके आगे आपको मोक्ष की यात्रा भी कराए, सिद्ध शिला पर जाकर के आपको विराजमान करे। आपके जीवन में आज बसंत पंचमी आई है, कल आप संत बन के पंच परिवृष्टि में शामिल होंगे और अपने जीवन का कल्याण करके उस शिला पर जाके बैठेंगे जिस शिला का नाम सिद्ध शिला है। आज के दिन अपने घर में पूरे परिवार के साथ भक्तावर का एक बार पाठ अवश्य करें, क्योंकि यह भक्तावर बसंत तिलिका में छंद में लिखा गया है। इस तरीके से आप आज के दिन पूरा भक्तावर में करें, आपके हर कार्य सिद्ध हो, आपको सफलता की प्राप्ति हो। यह कार्य आज आप अवश्य रूप से करें जिससे आपका यह पूरा साल बसंत के समान, आनंद के समान, तन्मयता के समान व्यतीत हो सके।